अभी की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड सामने आ चुकी है, तो चलिए आपको एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड बताते हैं। लेकिन आपको बता दें, वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से शिवम शर्मा टॉप टू में लग रहे थे कि वो जाएंगे, क्योंकि मुनव्वर फारूकी के बाद शिवम शर्मा ही वो बंदे थे जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे थे। लेकिन अभी शिवम को उतने वोट्स नहीं मिल रहे, उनकी जगह पर नंबर दो की पोजीशन पर दूसरा कैदी आ चुका है। अभी कैदी कौन है चलिए आपको बताते। फिलहाल शुरुआत उनसे करते हैं जिनको जनता के सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर सात की पोजीशन पर शाइशा है, शाइशा को 1,36,000 प्लस ही वोट्स मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर छह की पोजीशन पर प्रिंस है, प्रिंस भले ही फाइनलिस्ट बन चुके हैं लेकिन वोट्स उनको उतने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस को जो वोट्स मिल रहे हैं 1,70,000 प्लस वोट्स मिले हैं। नंबर पाँच की पोजीशन पर पायल है, पायल को 2,14,000 प्लस वोट्स मिल रहे हैं। नंबर चार पर आ चुके हैं शिवम शर्मा, बूम बाम। जी हाँ, नंबर दो की पोजीशन पर थे लेकिन अब वो चार पर आ गए हैं। बूम बाम को जो वोट्स मिले 2,72,000 प्लस वोट्स मिल रहे हैं। नंबर तीन पर है अंजलि, अंजलि को 2,90,000 वोट्स मिल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंजलि जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके फैंस क्या कर रहे हैं। तो नंबर तीन पर है यहाँ पर अंजलि, नंबर दो पर आ चुकी है आजमा, आजमा ने ली है शिवम की जगह। आजमा को जो वोट्स मिल रहे हैं 3,43,000 प्लस वोट्स मिले हैं। और नंबर वन पर है वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी। एक तरफ सारे कंटेस्टेंट हैं, उससे भी डबल ट्रिपल वोट्स मिले मुनव्वर को, 15,64,000 प्लस वोट्स मिले हैं। जी हाँ, इनके वोट्स को देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके आसपास कोई भी नहीं है। मुनव्वर को तो कोई टच भी नहीं कर सकता है वोटिंग के हिसाब से। तो दोस्तों क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कास्टिंग जोया के नाम से मौजूद हूँ। थैंक यू।